हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते माय यूट्यूब फैमिली। सो गाइस, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हमारा सेकंड डे है मनाली में, एंड आज थोड़ा सा ना मूड ऑफ सा है दोस्तों, इसलिए मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैं थोड़ा गुस्से में हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। सो अब मैं आपको बताता हूँ, इस बार मनाली आने का प्लान हमारा खाली मनाली एक्सप्लोर नहीं करना था, हमारा प्लान था लेह लद्दाख जाना था हमने बाइक्स में। हमने सोचा था बाइक्स हम रेंट आउट करेंगे मनाली से, कि हम मनाली आएंगे एंड यहाँ से बाइक्स रेंट आउट करके वी विल गो टू लेह लद्दाख। हमारे सामने आ गई है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, एंड ये प्रॉब्लम सिर्फ मैं ही नहीं, कई सारे और लोग भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, एंड बहुत सारे लोगों की इस बात पे क्वेरी है एंड क्वेश्चंस आ रहे हैं मुझे कमेंट्स में भी ले मनाली बाइक रेंटल इश्यूज के बारे में। तो आज मैं आपको उस बारे में एक क्लियर डिटेल वीडियो देने वाला हूँ, जिससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या इशू है एंड वो आपको कैसे इफ़ेक्ट करेगा एंड क्यों आप मनाली से लेह तक बाइक रेंट आउट करके नहीं जा सकते, एंड और भी एक कुछ चीज़ है वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। सो गाइज, लास्ट टाइम जब हम मनाली आए थे मैंने एक वीडियो बनाई थी बाइक रेंटल मनाली के ऊपर, और इस बार भी हम BRM एक्सपीडिशंस पर ही गए थे बाइक रेंट आउट करने के लिए। बट वहाँ जाके हमें पता चला कि आप लद्दाख में रेंटेड बाइक नहीं ले जा सकते हैं, और ये सिर्फ हिमाचल के लिए नहीं और स्टेट्स के लिए भी है, आप लद्दाख में किसी भी स्टेट की रेंटेड बाइक नहीं ले जा सकते हैं। तो अब मैं आपको इसके बारे में, इस इशू के बारे में प्रॉपर डिटेल में बता देता हूँ। अब लद्दाख का जो मोटर बाइक यूनियन है, लद्दाख ट्रांसपोर्टेशन यूनियन, वो कहता है कि हमारे यहाँ अगर बाहर से रेंटेड बाइक्स आएंगी एंड बाहर के लोग रेंटेड बाइक्स यहाँ लेकर आएंगे तो हमारा बिज़नेस कैसे चलेगा, बिकॉज़ हमारे पास और कोई और एसेट्स नहीं है बिज़नेस के, ना यहाँ पर इतनी एजुकेशन है ना प्रॉपर कुछ है। तो अर्निंग का ज़रिया सबसे ज़्यादा वहाँ पे टूरिज़्म एंड बाइक रेंटल्स एंड कार रेंटल्स ही चलता है। तो लद्दाख यूनियन ने ये ऑब्जेक्शन उठाया है कि यहाँ पर लद्दाख में बाहर की रेंटेड बाइक्स नहीं आएंगी ना कार आएंगी, लोग अपनी व्हीकल ला सकते हैं बट वो पर्सनल होनी चाहिए और आप या फिर आपकी फैमिली से रिलेटेड किसी की होनी चाहिए कि भी अगर बाइक लेके आते हो तो यहाँ पर आपको अलाउ नहीं किया जाएगा वो बाइक लेके आना। यहाँ पर जगह जगह पर RC चेक होगी आपकी, एंड अगर आपके फादर के नाम पे या आपकी फैमिली में किसी के नाम पे तो आप ज़रूर वो ला सकते हो, और RC आपके खुद के नाम की होनी चाहिए। बट अगर वो किसी फ्रेंड की है या वो बाइक रेंटेड है तो वो उस बाइक को आगे नहीं जाने देंगे। एंड इवन हमें ये पता चला है कि लद्दाख में काफ़ी वायलेंट हो जाते हैं लोग अगर आप बाहर की रेंटेड बाइक्स लेके जाएंगे, एंड आपको तो कुछ नहीं किया जाएगा बट आपकी व्हीकल को डैमेज कर दिया जाएगा। एंड ये इशू सबसे ज़्यादा तो मनाली की बाइक्स के लिए है, अगर वहाँ पे मनाली की बाइक्स देखी जाएगी तो उनको तोड़ दिया जाएगा, उन्हें डैमेज कर दिया जाएगा या जाने नहीं देंगे, आपको वापस लौटा देंगे। तो मनाली बाइक एसोसिएशन का जो यूनियन है उन लोगों ने भी ऑब्जेक्शन उठाया कि इस तरह से तो मनाली का पूरा बिजनेस ही बंद हो जाएगा, कि वो बिज़नेस ही नहीं कर पाएंगे तो फिर लद्दाख में नहीं जा पाएंगे। और ये इशू अभी नहीं, ये काफ़ी पहले से चला आ रहा है, अभी 2021 से पहले ऐसा हो रहा था, लेह सिटी में पार्क हो जाती थी एंड लेह सिटी से अलग से रेंट करके आप लेह लद्दाख में घूम सकते थे, जैसे पैंगोंग, नुब्रा एक्सेट्रा जगह, यहाँ आपको घूमने के लिए लेह से ही बाइक रेंट करनी पड़ेगी, JK10 नंबर प्लेट वाली बाइक। प्रॉब्लम ये आ जाती थी, जो मनाली से बाइक रेंटल्स और टूर एंड ट्रिप्स पूरी जाती थी उन्हें लेह सिटी पहुंच के वहाँ पर से बाइक रेंट करवा के कस्टमर्स को देनी पड़ती थी, एंड इससे उनका बिज़नेस में काफ़ी लॉस हो रहा था। तो इस वजह से ये सारा डिस्प्यूट शुरू हुआ एंड मनाली बाइकर यूनियन एंड लद्दाख ट्रैवल यूनियन के बीच में, और अभी का यही इशू है मेन, आप लद्दाख में रेंटेड बाइक्स एंड किसी और की बाइक नहीं ले जा सकते, या तो आपकी पर्सनल होनी चाहिए, आपकी फैमिली में से किसी की होनी चाहिए। कार्स के साथ भी सेम यही सीन है, एंड इसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि अब 2021 में मनाली की बाइक्स वहाँ आएंगी ही नहीं, ऊपर से लद्दाख यूनियन का ये भी डिमांड है कि वो मनाली से कोई भी कस्टमर्स को कितने भी क्लाइंट्स को पिकअप कर सकते हैं एंड वो पूरा का पूरा मनाली टू लेह सर्किट करवाएंगे। इसके रेजिस्टेंट में मनाली बाइक यूनियन भी कह रही है कि अगर आप लद्दाख बाइक यूनियन हमें वहाँ अपनी बाइक नहीं लाने देंगे तो मनाली बाइक यूनियन भी यहाँ से आपको कस्टमर्स पिक करने नहीं देगी। आप अगर बाइक रेंट करके ला रहे हो या आपका प्लान है आप मनाली से बाइक रेंट करने वाले हो तो
आप उस प्लान को भूल जाइए। एंड पहले से ही मैं आपको ये इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ, वहाँ आपको अलाउ नहीं किया जाएगा राइड करने में, एंड आपको और भी वहाँ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। ये सारी बात हमें मनाली बाइक यूनियन के एक मेंबर से पता चली है। तो एंड मैं भी इसी वजह से लेह लद्दाख अभी नहीं जा पाया हूँ, नहीं तो मेरा पूरा प्रॉपर हमारा प्लान था, हम सारी पैकिंग सारी तैयारी करके गए थे। पहले मैंने वीडियो में इस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं किया। सो गाइज, आई होप इस वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। एंड जो भी लोग मुझसे पूछ रहे थे डाउट कि लेह मनाली का डिस्प्यूट क्या है, रेंटल्स का क्या सीन है, कई लोग कमेंट कर रहे थे कि आप लेह में नहीं चला सकते हो रेंटेड बाइक, तो उस सब का मैंने जवाब यहाँ दे दिया है और आपको फुल इन्फॉर्मेशन दे दी है। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो से आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी लेह लद्दाख और मनाली के बीच की डिस्प्यूट के बारे में। सो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। गुड बाय।